भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी, खिदमत खल्क क्रिश्चियन की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 25 जनवरी और फ्राइडे यानी कि जुम्मे का दिन है। आज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फैमिली है आपको नज़र आ रही है, ये फैमिली पिछले एक महीने से यहाँ पर हॉस्टल में है। ये इनके शौहर को एक्सेट प्रो पॉलिश मारा हुआ है, इनकी ज़बान की पॉलिश है, बात नहीं कर सकते। ये कर्नूल में गुत्ती अनंतपुर गुत्ती गांव से ये लोग आए हुए हैं, जिनको छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं, इनकी 3 बच्चियाँ हैं, जिसमें से एक बच्ची गाँव में है, 2 बच्चियों को लेकर यहाँ पर रह रही है। बेचारी बहुत मजबूर है, बहुत परेशान हाल है, एक महीने से यहाँ पर किसी तरह अपना गुजारा कर रही है। जैसा कि खाने की परेशानी है, लोगों को दवाइयों की कई तरीके की परेशानियाँ हैं, बेचारों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे यहाँ पर खाना खिलाते वक्त आकर बहुत रोती है 2-3 दिन से। तो आज हमारे मतलब उसी की तरफ से इनको कुछ मदद दी जा रही है। अगर आप लोग चाहें तो ये फैमिली की मदद कर सकते हैं। और एक आपको नज़र आ रही है मेरे बाजू में, और एक ये फैमिली है जो हकीम पेट के रहने वाली है। इनके हस्बैंड को ऑलरेडी पॉलिश था, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, अचानक से ये फिसल के यहाँ पर गिरने की वजह से इनकी कमर की हड्डी भी टूट गई है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारी। पिछले 5 महीने से यहाँ पर रह रही है, अपना घर दार सब छोड़ के, अपने बच्चों के स्कूल्स वगैरह सब छोड़ के यहाँ पर अपने शौहर की खिदमत करते हुए यहाँ रह रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारी, बहुत रो रही थी आप, और इनको भी हमारे खिदमत की तरफ से कुछ मदद दी जा रही है। मेरा बोलने का मतलब आप लोगों को बस ये है कि अगर आप लोग चाहें तो ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, इनकी भी आप जो चाहे मदद दे सकते हैं। इनको 500, 1000, 2000 जो आपसे हो सका दीजिए, और इनको भी दीजिए, ताकि इनकी जो भी यहाँ के ज़रूरियात हैं, लोगों के दवाइयाँ हैं, छोटे बच्चों का दूध का खर्चा होता है, या बच्चों को क्योंकि अच्छा बुरा खाने के लिए, या कभी फिर बच्चों को दवाइयों के लिए ज़रूरत पड़ रही है लोगों को कहने के लिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ मुफ्त मिलता है, फ्री है इलाज यहाँ पर। लेकिन आप लोग जानते हैं, जब हमारा कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो वहाँ को बाहर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कहीं चाहे, तो वो बाहर की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे, बहुत परेशान हाल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इन लोगों की जो हो सके आपसे मदद करिए, या फिर आप लोग डायरेक्टली आके मदद करना चाह रहे हैं तो इनकी आप लोग डायरेक्ट आके मदद कर सकते हैं। ये जो फैमिली है कर्नूल की फैमिली है, सोचिए नया शहर है इनके लिए, कितनी परेशान हाल है बेचारी। और ये बहन हमारी पिछले 5 महीने से यहाँ रह रही है, तो इनके हालात क्या है आप सोच सकते हैं। आप लोगों आपको जो मदद मिली उसके लिए भी शुक्रिया अदा करिए। आप मैडम हम लोग दिए साथ बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, मेरे कहने क्या भी नहीं रहते, बहुत दर्द पड़ती थी, मैं बच्ची दूध पीने खार दूध के पीती थी, बहुत दर्द पड़ती थी मैडम, ये सब से बहुत शुक्रिया। इतना परेशान हम लोग हैं, दवाएँ केस के लिए दवाएँ कुछ लाने के वास्ते भी हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले इतना चल रहे, लेकिन एक एक वक्त क्या है खाना भी मतलब टाइम पर नहीं आता, बहुत बहुत परेशान है चलने के वजह से, इतना परेशान हो गया। आज मिलते बोल के आए कुछ सुना बैठते सुटके हम नहीं तो चल भी नहीं, एक वक्त के खाने के लिए भी पास होते लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये बहन का कहना है कि दवाइयों के लिए पास होते छोटे छोटे बच्चों की दूध की परेशानी हो रही है लोगों को, तो आप लोग इनकी मजबूरी समझिए और जितना हो सके इनके लिए हेल्प करने की कोशिश करिए। खुदा हाफिज़।